चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़ जाइए हमारे आईटी गुरु एजुकेशन की दुनिया से। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द आईटी गुरु, माय सेल्फ चूम। और आज की ये वीडियो जो होने वाली है दोस्तों, वो बेसिकली होगी यूट्यूब और टिकटॉक के ऊपर। मैंने बहुत सारी वीडियोज देखी, आजकल फाइट चल रही है टिकटॉक और यूट्यूब के पीछे, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी एक ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें एक हॉनेस्ट कंपैरिजन आप लोगों के सामने मैं रख पाऊं, यानी अपना एक हॉनेस्ट रिव्यू आप लोगों को दूं कि भैया एज अ यूट्यूब क्रिएटर मेरा क्या ओपिनियन है और दोस्तों टिकटॉक के लिए मेरा क्या रिव्यू रहेगा। तो अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, क्योंकि वीडियोस दो हुए दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों टिकटॉक और दोस्तों यूट्यूब जो दो बिगेस्ट सोशल वीडियो शेयरिंग ऐप हैं उनके बीच कंपेरिजन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अपनी वीडियोज की तरफ। तो चलिए देखते हैं। तो भैया कई दिन से चल रहा था YouTube और TikTok, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन, बहुत लोग फाइट करते नज़र आ रहे हैं और किसी भैया बंदे ने बना दी एक YouTube के अगेंस्ट वीडियोस, यानी उन्होंने कुछ ऐसी क्रिटिसाइज किया YouTube को, YouTube की कम्युनिटी को, जिसके चलते दोस्तों कैरी मिनाटी और बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबरों ने अपना ओपिनियन रखना शुरू कर दिया भैया YouTube के लिए। और एज अ क्रिएटर दोस्तों मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं दोस्तों आपके सामने एक हॉनेस्ट रिव्यू आप लोगों को दूँ TikTok और YouTube के ऊपर। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि दोस्तों TikTok बुरा है या फिर YouTube बुरा है, दोनों ही एप्लीकेशन बहुत अच्छी हैं, लेकिन सबका अपना एक पर्पज है। यानी इन दोनों एप्लीकेशन की अगर आप बात करो, दोनों वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है। YouTube पे भी आप वीडियो शेयर करो और उस पे भी आप वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है, और बहुत अच्छे से ऑडियंस ग्रोथ करना आपको दोनों पे मिल जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि TikTok अच्छा है या फिर YouTube अच्छा है, आप एक ही चुनो। दोनों अपनी अपनी अलग सिमिलैरिटीज़ के साथ में आती हैं और दोनों का अपना एक अलग अलग पर्पज़ है, ठीक है। अगर आप YouTube को बहुत ही अच्छे से देखो तो YouTube एक बहुत ही बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक बहुत ही बड़ा वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है, एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ पर देखो तो मंथली इतने एक्टिव यूज़र हैं कि आप उनके आंकड़े भी गिन नहीं पाओगे, और वीडियोस की तो आप बात ही मत करो, बिलियंस मिलियंस में तो ये वीडियोस यहाँ पे भरी पड़ी हुई हैं। अगर आप TikTok की बात करो तो TikTok भी ठीक है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 1 मिनट या 15 सेकंड की वीडियोस आती हैं जिस पे लोग एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस ही अपलोड कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा उसमें कुछ मिर्च मसाला आप नहीं ऐड कर सकते। आप एक कंटेंट बनाते हो, आप ट्यूटोरियल बनाते हो, आप 5-5 मिनट की वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर देते हो, लेकिन वो चीज़ TikTok पर नहीं हो पाती। अब मैं एक हॉनेस्ट कंपैरिजन करूँगा इनके कुछ की फीचर्स के बारे में, जो कि है दोस्तों यूजर्स का। देखिए यूजर्स जो होते हैं वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, आप ले लीजिए। यानी यूजर्स की जो कंपैटिबिलिटी होती है वो हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत ही मायने रखती है। अब जो TikTok है, TikTok पे आप मेनली 41% यानी 41% जो लोग हैं वो 16 से 24 साल के बीच हैं, जो यंगस्टर हैं, ठीक है, वही सिर्फ ज़्यादा TikTok यूज़ करते हैं, यानी उनकी 40% की कम्युनिटी है, तो उनमें से ज़्यादातर यंगस्टर हैं जिनको एंटरटेनमेंट का, डांस का, ये सब का शौक है, तो वो सब यूज़ करते हैं। अब इन टर्म्स ऑफ YouTube, अगर आप YouTube को देखो तो YouTube एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे लगभग हर एक एज ग्रुप के लोग आपको मिलेंगे, यानी आपको टीचर्स भी मिलेंगे, डांसर्स भी मिलेंगे, आपको एंटरटेन करने वाले भी लोग मिलेंगे, तो यहाँ पे एक लगभग सभी की कम्युनिटी बनके तक तैयार होती है। तो इस मामले में भी YouTube आपको विनर नज़र आएगा, यानी अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें आप यूज़र के मामले में, तो भैया YouTube जो है वो विनर है, क्योंकि यहाँ पे भैया यूज़र का कोई ये नहीं है कि यूज़र एक स्पेसिफिक पार्ट का है, यानी यहाँ पे यंग लड़के तो है ही हैं, साथ में दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे आपको एज वाले मिलेंगे, जो टीचर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे अच्छे कंटेंट आपको शेयर करते हैं, आपको कुछ सिखाते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों यूज़र कम्युनिटी बहुत ही अच्छी है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि इसके कितने यूज़र हैं वर्ल्ड वाइड, तो भैया अभी जो TikTok का हाल ही में भैया यूज़र जो डेटाबेस है, यानी यूज़र स्टैटिक्स हैं, वो 800 मिलियन है, यानी 800 मिलियन यूजर जो हैं वर्ल्ड वाइड TikTok के हैं। अगर वही मैं बात करूँ YouTube की, तो YouTube भैया 2 बिलियन यूज़र की जो स्टैटिक्स है वो पार कर लेता है, यानी यहाँ पे 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं YouTube के। तो अगेन दोस्तों YouTube विनर है, इस मामले में भी YouTube सबसे आगे है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके ऐप्स की डाउनलोड्स की, तो भैया जहाँ पे TikTok का सिर्फ 1 बिलियन डाउनलोड्स अभी पूरा हो गया है, यानी 1 बिलियन डाउनलोड है, वहीं दोस्तों YouTube का 5 बिलियन प्लस डाउनलोड्स है, तो इस मामले में भी YouTube विनर है। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ जो सबसे मेन पार्ट की है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है वीडियो की लिमिट।
आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग एग्री होंगे कि भैया हाँ ये तो सही है कि भैया टिकटॉक जो है वो सिर्फ आपको 15 से 60 सेकेंड्स तक आपको वीडियोस बनाने का मौका देता है, यानी उससे ज़्यादा आप हाई वीडियोस नहीं बना सकते। लेकिन अगर वही आप बात करो यूट्यूब की, तो यूट्यूब पर भैया कोई लिमिट नहीं है। आप 5 घंटे 6 घंटे जितने भी घंटे की आप इसमें बना पाओ वीडियो आप बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये एक यहाँ पे नो लिमिट वाला मसला आ जाता है कि भैया टिकटॉक पे एक लिमिट है, लेकिन यहाँ पे वीडियोस को आप अनलिमिटेड लेंथ तक आप बना सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यूट्यूब का, सबसे बड़ा, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है वो यही है कि भैया जो लिमिट है वो वीडियो की कितनी है, और यूट्यूब इस मामले में बहुत बड़ी तरीके से, यानी बहुत बुरी तरीके से विनर है, और टिकटॉक है वो बहुत बुरी तरीके से हार रहा है इस मामले में। हाँ, यूज़र फ्रेंडली हो सकता है, टिकटॉक एक एप्लीकेशन है, यूज़र फ्रेंडली है, मोबाइल में बहुत ही अच्छे से चल जाता है, सब कुछ ठीक है। यूट्यूब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्रिएटर्स को, एक नया क्रिएटर जो आता है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगेन अगर वीडियो की लेंथ यहाँ पे ज़्यादा है तो मीन्स जो अब क्रिएटर है, जो व्यूअर है, वो अच्छे से अपना जो कंटेंट है वो लोगों के सामने रख पाएंगे, अच्छी अपनी जो बात है वो अच्छे से लोगों के सामने बता पाएंगे। लेकिन एक मिनट में आप सोच के देखो कि 60 सेकंड में आप क्या सिखा सकते हो। आप यूट्यूब पे आप देखो तो YouTube पे बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे क्लास बनाते हैं, ट्यूटोरियल बनाते हैं, और TikTok पे सिर्फ वही सिंपल टाइप में आपको इंटरटेनिंग वाले वीडियोस मिल जाएंगे 60 सेकंड में। आपको एक डांस करना है तो पूरा आप डांस का जो गाना है, यानी गाने की जो पूरी लेंथ है, वो भी आप कंप्लीट नहीं कर सकते, यानी क्योंकि 60 सेकंड है। गाने 3-4 मिनट के ऑब्वियसली होते ही होते हैं, तो अगर आप डांस करते हो आप पूरे गाने पे सोचो मैं डांस करके आप लोगों को दिखाऊं, तो आपको YouTube पे आना पड़ेगा, 60 सेकंड में आप पूरा नहीं दिखा पाओगे, और वो उसकी लिमिट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे टिकटॉक की नहीं पसंद है, मीन्स ज़्यादा लिमिट मुझे नहीं पसंद है कि भैया 60 सेकंड में मैं अपना जो मैं अभी वीडियोस बनाता हूँ ट्यूटोरियल की, मैं वीडियो एडिटिंग सिखाता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाता हूँ, अभी मैं कैसे लोगों के सामने दोस्तों अपनी वीडियोस दिखा पाऊंगा 60 सेकंड के अंदर। आप इमेजिन करो कि 60 सेकंड के अंदर मैं कौन सा ऐसा ट्यूटोरियल बना दूंगा कि भैया आपको सभी चीज़ें एकदम रेडी तरीके से समझा दूंगा, नहीं कर पाऊंगा। इसलिए यूट्यूब जो है एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है, एक बहुत ही अच्छी सर्विस है और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है कि आप दोस्तों अपनी जो ऑडियंस है वो बना पाते हो, अपने जो थॉट्स हैं वो आप क्लियर कर पाते हो, आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाते हो। अगर मैं इनकम जनरेट की बात करूं तो भैया टिकटॉक जो है वो आपको रेवेन्यू नहीं देता, यानी वो एड्स के रेवेन्यू आपको नहीं देता। वहीं अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब आपको व्यूज के पैसे देता है, यानी आपकी वीडियोज़ पे जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और जितने ज़्यादा एड्स आएंगे आपको यूट्यूब उसके पैसे देता है। अब टिकटॉक की बात करूं तो टिकटॉक में सिर्फ 2-3 फंडे हैं जिस पैसे कमाए जाते हैं, वो स्पॉन्सरशिप, या अगर आपने लाइव स्ट्रीम किया तो वहाँ पे आपको गिफ्ट कार्ड मिलना है, तो इन सब से आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर वहीं मैं YouTube की बात करूँ तो YouTube पे भैया हजारों चीज़ें हैं पैसे कमाने की। स्पॉन्सर तो एक अलग जरिया है ही है, आप अच्छी ग्रोथ बना ली, आपके अच्छे सब्सक्राइबर हैं तो आप अच्छे से आप पैसे कमा सकते हो, आप स्पॉन्सर ले सकते हो, आप अच्छे कंटेंट बनाओगे तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ज़्यादा आपको एड्स के थ्रू पैसा मिलेगा, यानी जितने एड्स आएंगे आपकी वीडियोज़ में उसका पैसा आपको अलग मिलेगा, यानी व्यूज़ का भी पैसा मिल रहा है, स्पॉन्सरशिप का भी पैसा मिल रहा है। अगर आपके आपकी जो चैनल मेंबरशिप है किसी ने ले रखी है तो मंथली उसका सब्सक्रिप्शन का पैसा भी आपको अलग मिल रहा है, यानी हर तरफ से पैसा ही पैसा है दोस्तों यूट्यूब पे। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ की, तो भैया यहाँ पे यूट्यूब पे कंपटीशन बहुत हार्ड है। और क्यों हार्ड है? क्योंकि एक क्लीन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे वही चीज़ें आपको ग्रो होती नज़र आएंगी जो लोग मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वही यूट्यूब पे विनर हैं और वही सेलिब्रिटी बनते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं आप ये कहो कि टिकटॉक के जैसे रातों रात फेम पा गए या कुछ है, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, आप दिन रात मेहनत करोगे तब जाके आपको कहीं यूट्यूब पे सफलता मिलती है, अदरवाइज यहाँ पे भैया चांसेस नहीं है। टिकटॉक पे आपकी एक वीडियो ही वायरल हो गई तो आपकी पूरे के पूरे उसके चैनल की ग्रोथ ले आती है, लेकिन क्या उससे फ़ायदा होता है? नहीं होता। आप 15 सेकंड की वीडियो से आप किसी का फायदा नहीं दे सकते, सिर्फ आप इंटरटेन कर सकते हो लोगों को, लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्यूटोरियल वीडियोस बना रहे हो या कुछ बना रहे हो, आप लोगों को सिखा रहे हो, तो आपकी एक इमेज बनती है ऑडियंस के बीच में, और वो जो इमेज है आपको एक सेलिब्रिटी बनने में मदद करती है। आप अपने कंटेंट के आप सेलिब्रिटी रहोगे, अगर यूट्यूब पे आपने फेम पाई तो ये एक लॉन्ग टर्म फेम है, आप एक लॉन्ग टर्म तक अपनी जो इमेज है वो बना सकते हो यूट्यूब पे, लेकिन आपको टिकटॉक लॉन्ग टर्म इमेज बनाने का मौका नहीं देती। ठीक है, जो लोग फेमस होते हैं वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा नहीं रहते, वो रहते हैं ठीक है, लेकिन उनका ऑडियंस बेस कम होता है, क्योंकि
क्योंकि दोस्तों वहाँ पे पीछे से जो न्यू कमर्स हैं वो भी आते चले जाते हैं, जो न्यू कमर्स आते हैं वो अच्छे अच्छों को बीट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ भैया रातों रात आप वायरल हो सकते हो, आप कुछ भी ऐसा बना दो टेढ़ा मेढ़ा तो वो वीडियोज़ आपकी वायरल हो जाती हैं। लेकिन यूट्यूब पर ऐसा नहीं है, यूट्यूब पर जो भी बंदा आता है वो एक स्पेसिफिक वीडियो देखता है जो उसके लायक होती है, वो सभी वीडियोस को नहीं प्रिफर करता। इसलिए यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट जो है वो बहुत ही अच्छा है, यानी अगर कंटेंट का आप बात करो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा एज़ कम्पेयर टू टिकटॉक। तो इसलिए मुझे दोस्तों टिकटॉक जो है वो इतना नहीं पसंद है। हाँ, प्लेटफॉर्म अच्छा है, जो इंटरटेनर हैं वो जा सकते हैं, नो मैटर वो जा सकते हैं, अच्छा खासा वहाँ पे ग्रोथ है। लेकिन एज अ यूट्यूबर मैं रिकमेंड करूँगा कि भैया आप यूट्यूब पे ही आओ। अगर आप एक लॉन्ग टर्म आप अपनी जो हैप्पीनेस है, अपनी जो सेलिब्रिटी बनने की इच्छा है वो आप लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे आओ। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ग्रोथ का, पैसे कमाने का, सब कुछ। एक अच्छी आप इमेज जनरेट कर सकते हो अपनी ऑडियंस के बीच। तो कुल मिला के यूट्यूब जो है वो हर मामले में विनर है, आप यूट्यूब को पीछे नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू टिकटॉक। ठीक है, तो एज अ यूट्यूबर माई फर्स्ट परस्पेक्टिव इज दैट कि प्लीज़ कम टू यूट्यूब एंड सपोर्ट यूट्यूब कम्युनिटी। तो आई होप दोस्तों कि ये जो वीडियो थी, एक छोटी सी वीडियो मैंने सोचा कि आप लोगों को बनाऊं, तो आई होप कि वीडियो बहुत ही अच्छी बनी होगी और आपको समझ में आ गया होगा भैया कि क्यों हम टिकटॉक को प्रीफर ना करें। ठीक है, आप यूट्यूब को प्रीफर करिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर दीजिए, ताकि एज अ यूट्यूबर, एज अगर आप यूट्यूब को सपोर्ट करते हो तो मुझे थोड़ी सी हेल्प मिले और दोस्तों यूट्यूब की कम्युनिटी को और मजबूत करने में आपकी सहायता करूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कर दीजिए। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।